साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों आज हम आपके बीच बात करेंगे अस्त्रो रिलीफ हॉट जेल। साथियों रिलीफ हॉट जेल एक AUSTRO अस्त्रो फार्मास्यूटिकल कंपनी का नाम है। रिलीफ हॉट जेल उसका जो है एक ब्रांड है। साथियों इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक कॉम्बिनेशन जेल है जो पेन मतलब दर्द के उसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसके यूजेस की बात करेंगे, बेनिफिट की बात करेंगे, कंपोजिशन की बात करेंगे, साइड इफेक्ट एंड हाउ टू वर्क रिलीफ हॉट जेल और ये वर्क कैसे करता है इसके बारे में प्रिकॉशन इंट्रैक्शन एंड डायरेक्शन फॉर यूजेस MRP की बात करेंगे। साथियों अस्त्रो रिलीफ हॉट जेल इज ए कॉम्बिनेशन मेडिसन दैट हेल्प्स इन रिलीविंग पेन। साथियों इसके अंदर जो कंपोजिशन मिला है इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। ये इसका जो रोल है ये रिलीविंग मतलब पेन मतलब दर्द से राहत दिलाने के लिए इस जेल का उपयोग किया जाता है। इट वर्क्स बाय फर्स्ट कूलिंग। पहले इसको जब इस्तेमाल करते हैं तो पहले क्या करता है, शरीर में जहाँ पे भी दर्द होता है वहाँ पे लगाने में क्या होता है, पहले कूलिंग बहुत करता है, बहुत ठंडक पहुँचाता है। उसके बाद क्या करता है उसको मतलब गर्मी मतलब वार्म अप हीट कर देता है, मतलब गर्म कर देता है। तो स्किन पहले जो है आपको जो फील होगी वो कूल फील होगी, उसके बाद वो गर्म फील होगा साथियों। एंड दिस कूलिंग एंड वार्मिंग अप एक्शन इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन और इससे क्या होता है शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो तेज हो जाता है एंड डिस्ट्रैक्ट पेशेंट फ्रॉम पेन और उस पेन से उसको मुक्ति मिल जाती है। साथियों एस्ट्रो रिलीफ हॉट जेल जो है साथियों ये 30 ग्राम का इस तरह का जेल है। ये इसका बॉक्स है, 110 रुपये इसकी MRP है साथियों। एस्ट्रो रिलीफ जो है अस्त्रो साथियों ये देखिए लिखा है, ये इसकी फार्मास्यूटिकल कंपनी है अस्त्रो लैब, उसका ये जेल है साथियों। साथियों ये सभी केमिस्ट की दुकान पे आसानी से मिल जाता है साथियों और बहुत ही रिस्पांस इसका अच्छा है और बहुत फेमस ब्रांड है। साथियों इसके यूजेस एंड बेनिफिट की बात करेंगे तो ये पेन रिलीवर है, दर्द में लगाने वाला जो है जेल है। जैसे कि जोड़ों में सूजन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, ओल्ड एज में जेरियाटिक रिकवरी में उसमें इसका उपयोग किया जाता है एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाती है और साथ ही साथ क्या होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाती है और आर्थराइटिस के केस में क्या होता है सूजन इन्फ्लामेशन जो हो जाता है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। साथियों स्पॉन्डिलाइटिस हो जाती है उसमें इसको लगाने से तुरंत आराम मिलता है एंड बैकएक, कहने का मतलब है पीठ का दर्द है, कमर का दर्द है, लो बैक पेन है और क्या होता है कि यूथ जो युवा होते हैं क्रिकेट खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, उनके स्प्रेन या स्ट्रेन हो जाता है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। साथियों किसी तरह का मसल पेन हो जाता है उसमें भी उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब है दर्द सूजन और जकड़न से राहत पाने के लिए ये बहुत ही अच्छा जेल है। साथियों कहीं पे भी शरीर में दर्द है बस घाव नहीं होना चाहिए, वहाँ पर इसको लगाने से तुरंत आराम मिल जाएगा। साथियों कंपोजिशन की बात करेंगे तो इसमें डाइक्लोफेनिक डाइइथाइलामाइन मिला होता है। कहने का मतलब है डाइक्लोफेनिक डाइइथाइलामाइन 1.16 वेट बाय वॉल्यूम मिला होता है एंड कैप्सिकम ओलियोसेरीन जो है 1% मिला होता है। लाइनसीड ऑयल कहने का मतलब है अलसी का तेल, अलसी का तेल मिला होता है एंड मिथाइल सैलिसिलेट वो जो है इसमें क्या होता है 10% मिला होता है। मेंथॉल मिला होता है 5% एंड बेंजाइल एल्कोहल 1% मिला होता है। साथियों ये इसका कंपोजिशन। साथियों इसको लगाने से क्या होता है कि इसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं है लेकिन किसी किसी पर्सन की स्किन पे सूट नहीं करता है, तो कहने का मतलब है एप्लीकेशन साइट रिएक्शन होने के चांस होते हैं जैसे कि बर्निंग, इरिटेशन, इचिंग और रेडनेस अगर होती है तो तुरंत इसका उपयोग बंद करने और अपने डॉक्टर से संपर्क करें। साथियों हाउ टू वर्क अस्त्रो रिलीफ हॉट जेल वर्क कैसे करता है, तो साथियों ये एक जो है पेन रिलीविंग जेल है, कॉम्बिनेशन जेल है साथियों और इसके अंदर जो दवाइयाँ मिली हैं जैसा कि अभी कंपोजिशन में बताया है डाइक्लोफेनिक मिला है, कैप्सिकम ओलियो रेजिन मिला है, लैंसिड मिला है, मिथाइल सैलिसिलेट मिला है, मेंथॉल मिला है एंड बेंजाइल एल्कोहल मिला है। साथियों जो डाइक्लो मिला है वो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ग्रुप की मेडिसन है, दवा है जिसका काम है ब्लॉक द रिलीज ऑफ सर्टेन केमिकल मैसेंजर्स। कहने का मतलब है जो है प्रोस्टाग्लैंडिंस को ब्लॉक कर देता है, उससे क्या होता है जो इन्फ्लामेशन होती है, पेन होता है और जो है वो क्या कहते हैं कि स्वेलिंग होती है वो तुरंत ही ठीक हो जाती है एंड कैप्सिकम
कैप्सिन जो इसके अंदर मिला है वो एक तरह का रूबीफेसेंट होता है जो क्या करता है, ब्लॉकिंग पेन मैसेंजर्स टू द नर्व, जो नर्व के द्वारा जो महसूस किया जाता है दर्द, तो वो जो है क्या करता है उसको जाके ब्लॉक कर देता है। साथियों जो इसमें मिथाइल सैलिसिलेट मिला है वो टॉपिकल एनाल्जेसिक होता है, पेन रिलीवर होता है साथियों, बहुत अच्छा रिस्पांस करता है साथियों। तो ये इसका एक तरह से जो है वर्क मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। साथियों प्रिकॉशन की बात करेंगे तो जब भी डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास अगर जाएं, पहले से कोई बीमारी या इस कंपोजिशन के जेल का इस्तेमाल किया है और आपको सूट नहीं करता है तो तुरंत बताएं, क्योंकि डॉक्टर अपने विवेक से इसको जो है कोई दूसरा जेल लिखेगा। इंट्रेक्शन की बात करेंगे, अगर कोई पहले से मर्ज है और कोई दवा खा रहे हैं जैसे लिथियम खा रहे हैं या मेथोट्रेक्सिनेट खा रहे हैं, मेथोट्रेक्सिनेट या एंटीकोगुलेंट कोई टैबलेट खा रहे हैं या किसी को अस्थमा है तो ऐसे केस में इसका इस्तेमाल नहीं करना है। साथियों डायरेक्शन फॉर यूज एंड डोजेस की बात करेंगे तो साथियों दिन में 3 से 4 बार, कहने का मतलब है अप्लाई 3 to 4 times इन ए डे पेनफुल एरिया, कहने का मतलब है जहाँ पे दर्द है वहाँ पे इसको लगाना है, एंड गेट क्विकली एब्जॉर्ब्ड, ये अपने आप एब्जॉर्ब कर लेगा, नो नीड टू मसाज, और इसको मसाज करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज एज डायरेक्टेड बाय फिजिशियन। साथियों एस्ट्रोलैब का ये जेल है, 30 ग्राम का जेल है, 110 रुपये का जेल है, बहुत अच्छा इसका रिस्पांस है, सभी मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा। साथियों इसी के साथ विराम देंगे, किसी तरह की क्वेरी है आप हमें जरूर कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों नमस्कार।